आप देख रहे हैं यादें पर रुख आपके साथ, और मैं कौन हूँ आप तो जानते हैं मुझे, मीनू मुमताज। रेशमी सलवार कुर्ता जाले का रूप कहाँ नहीं जाए नखरे वाले का। मीनू जी, रफी साहब की आवाज आज के दौर में क्या रेलिवेंस रखती है, और यही आवाज आपके लिए क्या मानी रखती है? रफी भाई की आवाज, उनकी आवाज की क्या कहने, मैं तो उनको भूल नहीं सकती बिल्कुल भी, और मेरे लिए तो बहुत मायने रखती है। मैं हमेशा रफी भाई के ही गाने सुनती हूँ और आज तक सुनती हूँ, और मुझे और किसी के गाने नहीं अच्छे लगते रफी भाई के से, यहाँ तक कि मेरे भाई उस्मान अली, वो तो आशिक थे उनके, बिल्कुल नज़दीक थे, हम लोग जाया आया करते थे, उनसे मिलते रहते थे, और बहुत खुश मिजाज। कभी उनकी आवाज़ मैंने ऊपर नहीं देखी, तो हम जब जाते थे तो ऐसा करते थे, यानी ठीक है क्या? हाँ, बात भी नहीं, आवाज़ निकलती नहीं थी उनकी, उनके मुँह से इतना प्यार करते थे वो कि मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत मिस करती हूँ मैं। कौन आएगा उनकी जगह, कोई आएगा? कोई नहीं आ सकता। पर कई गीत ऐसे फिल्म आए गए जिनमें मेल आवाज़ रफ़ी साहब की थी। जी हाँ। तो उन गीतों की रिकॉर्डिंग के दौरान क्या कभी आपकी मुलाकात हो पाई रफ़ी साहब से? हाँ, हम जाते थे उनके रिकॉर्डिंग पे, हम उनके रिकॉर्डिंग पर जाते थे, इतने हमको वो होता था उनको सुनने के लिए रफ़ी भाई को, कि हम उनकी रिकॉर्डिंग पे चले जाते थे। तो कैसा माहौल होता था रिकॉर्डिंग में? बहुत अच्छा माहौल होता था, हंसते भी थे, बैठे रहते थे, चाय पीते थे, वेरी नाइस। कभी वो कभी किसी से चिढ़कर बात नहीं करते थे, कभी नाराज़ नहीं होते थे, कोई उनकी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं होती थी कि भाई रिकॉर्डिंग कैंसिल, जैसे किशोर दा के जी ज़माने में था जी। किशोर दादा तो बहुत मस्ती करते थे, मगर वो नहीं। सुनो सुनो हे पंडित लोगो, सुनो सुनो मौलाना, अरे अपना ये संसार हुआ है क्या बिल्कुल पागल खाना, बदला सारा जमाना बाबू, बदला सारा जमाना, बदला सारा जमाना बाबू, बदला सारा जमाना। सत्यनारायण की कथा में अब तो बजता फिल्मी गाना, ओ फिल्मी गाना, ओ फिल्मी गाना, बदला सारा जमाना बाबू, बदला सारा जमाना। अगर आज रफी साहब हयात होते मीनू जी, तो आपको क्या लगता है कि आज के दौर के एक्टर्स अपनी स्क्रीन वॉइस रफी साहब को बनाना पसंद करते? जरूर जरूर करते, क्योंकि रफ़ी भाई एक ऐसे शख्स हैं जो हर टाइप का गाना गाते हैं, हर टाइप का। उनको आप देखिए, मेरे हमारी एक पिक्चर थी छोटे नवाब जी, ठीक है, तो छोटे नवाब में मेरे भाई का जो रोल है वो पहले बचपन जैसा रहता है, छोटा बच्चा, तो वो छोटा बच्चा जो है वो बड़ा है लेकिन तोतलाता है, अब तोतलेपन में गाना गाया है रफ़ी भाई ने, इलाही तू सुन ले हमाली दुआ, हमें सिर्फ एक आसरा है तेला तेला, बिल्कुल सही रफ़ी भाई, तो इतने प्यार से उन्होंने गाया, इतने प्यार से गाया, मैं भी पिक्चर इसमें हूँ। जी जी जी, आप एक पर्दा नीचे करती हैं, तूफान आ रहा है, तूफान आ रहा है पिक्चर में। इलाही तू सुन ले हमाली दुआ, हमें सिर्फ एक आसरा है तेरा, तेरी रहमत राह राशन कले, सलामत रहे साया माँ बाप का, इलाही तू सुन ले। जी
उनके देह में हमसे लेकर तुमने सारी नींद दे दे उन्हें दर्द उनके देह में बुरी ये घड़ी टाल दे खुदा इलाही तू सुन हमारी दुआ हमें सिर्फ एक आसरा है तेरा तेरी रहमत राह रोशन कले सलामत रहे साया माँ बाप का ये जो कॉन्सेप्ट था तोतलेपन में रफी साहब गाएंगे ये साहब का था अकबर साहब का कॉन्सेप्ट था ये महमूद साहब का महमूद साहब के दिमाग की उपज थी ये तोतलेपन में गवाएंगे रफी भाई मैं मेरे को ऐसा चाहिए तो बोले अच्छा तेरे को ऐसा चाहिए तो मैं ऐसा गाता हूँ पहले हंसते थे गाते भी थे अच्छा अच्छा तो देखिए इस फिल्म छोटे नवाब की आपने बात की इस फिल्म में टोटल 8 गीत थे जिसमें से 6 गीत रफी साहब की आवाज में थे लेकिन फिर उसके बाद क्या ऐसा क्या हुआ था कि इतना सारा मौका देने के बाद रफी साहब को महमूद साहब ने आगे फिर कोई खास ऐसी तवज्जो नहीं दी रफी साहब को आगे जाकर उनके खुद के प्रोडक्शन में उनके खुद के प्रोडक्शन दूसरों को बढ़ाया आगे आगे चांस दिया जी महमूद भाई ने कितने लोगों को चांस दिया आर डी बर्मन को दिया महमूद भाई ने वो क्या नाम है उनका हमें भूल जाती बच्चन साहब बच्चन साहब को तो खैर इंडस्ट्री में लाए बिल्कुल शकी नहीं है वो भी हमारे भाई की तरह है छोटा भाई बच्चन साहब रफ़ी साहब की गायकी की दुनिया तारीफ करती है लेकिन गायकी के अलावा रफ़ी साहब की शख्सियत में आपको क्या पसंद था मैंने आपसे बताया ना कि वो बहुत अच्छे आदमी थे हंसमुख आदमी थे खुश रहते थे अपनी बीवी को खुश रखते थे अपने बच्चों के साथ खुश रहते थे उन्होंने कभी किसी के साथ में मैंने तो नहीं सुना कि कभी झगड़ा हुआ या नाराज़गी हुई या कुछ हुआ मैंने नहीं सुना देखिए हुजूर मुझसे रह के दूर दूर खेलिए न दिल बेकरार से प्यार का जवाब दीजिए प्यार से छोड़िए जिहाद कीजिए दूर ही से बात आप क्यों हैं इतने बेकरार से बाज आए हम तो ऐसे प्यार से देखिए हुजूर मुझसे रह के दूर दूर खेलिए न दिल बेकरार से प्यार का जवाब दीजिए प्यार से आपको पता है रफी भाई मेरी शादी में नहीं आ सकते क्योंकि वो बोले बेटा मैं तो लंदन जा रहा हूँ तो मेरा वहाँ शो है तो अपने हल्दी तो बोले इंशाल्लाह देखता हूँ तो जब मैं हल्दी मेहंदी का हमारा रसम हो रहा था तो रफ़ी भाई हमारे घर पर आए आकर के मुझे ब्लेसिंग किया हाथ रखा सर के ऊपर और बोला खुश रहो और इतना इतना बड़ा चांदी का खानदान उसमें सब मछलियाँ बजी हुई थी उसमें अभी मेरे पास है अभी भी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको दिखाऊंगी और इतने वो खुश हुए ना मेरा घूंघट इतना बड़ा था उन्होंने मेरी सूरत भी नहीं देखी बस मुझे दुआएं दिए और वो चले गए बहुत अच्छा लगा बताऊंगी ऐसा कुछ कहता है जाते जाते भी वो आकर मुझसे मिल कर भी गए तो ऐसा हुआ ओ पीटर ओ ब्रदर हैरी ओ वल्ला Mr. Berry. Mr. Iyer, are you there? हम तुम जिसे कहता है शादी रोनों है पूरा बर्बादी जो तुम ललचाओगे पीछे पछताओगे mind you जाएगी आजादी हम तुम जिसे कहता है शादी यू न
मानो है पूरा बर्बादी, जो तुम ललचाओगे पीछे पछताओगे, माइंड यू जाएगी आजादी। मीनू जी, आपको क्या लगता है कि रफी साहब को भारत रत्न मिलना चाहिए या नहीं? क्या वो भारत रत्न के हकदार हैं, और अगर हैं तो उन्हें अब तक ये अवार्ड क्यों नहीं दिया गया? आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मिलना तो चाहिए उनको, जरूर मिलना चाहिए, हक है उनका, मगर क्यों नहीं मिला वो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं भी खुद निकल गई हूँ इंडस्ट्री से। सो मैं तो जाती नहीं हूँ अभी आजकल, मिल लिया लोगों से, मिल लिया वैसे, और बहुत दूर हो गई हूँ मैं, कनाडा आ गई हूँ। दिल तो किसी को दोगे, किसी के आखिर होगे, एक नजर तो इधर भी डालो, हम क्या बुरे हैं। दिल तो किसी को दोगे, किसी के आखिर होगे, एक नजर तो इधर भी डालो, हम क्या बुरे हैं। दिल तो किसी को दोगे। फिल्म कुंवारा बाप में रफी साहब ने आपके वालिद साहब मुमताज जी के लिए प्लेबैक दिया था, इसकी कोई खास वजह थी कि रफी साहब से ही प्लेबैक लिया गया था मुमताज अली साहब के लिए? हाँ भाई, बाबा के लिए लिया था भजन ने, सज रही गली में। गली मेरी अम्मा, सुनहरी गोटी में तो कितना नहीं, ऐसा बाबा जी के लिए चाहिए ऐसा गाना, तो रफी भाई ही गाएंगे। अच्छा, भजन ने कहा, भजन को उनको गाने का बहुत सेंस था। भजन सुनहरी गोटे में रुपेरी गोटे में सज रही, अरे हाँ हाँ सज रही रे, सज रही गली मेरी माँ सुनहरी गोटे में, सज रही गली मेरी अम्मा सुनहरी गोटे में, सज रही गली मेरी अम्मा सुनहरी गोटे में, रुपरी गोटे में, यूट्यूब के चैनल पर जो इस वक्त हमारे देखने वाले आपको देख रहे हैं, उनसे आप रफ़ी साहब के मुतालिक कुछ कहना चाहती हैं? रफ़ी साहब के मुतालिक आप लोग क्या समझते हैं? ही इज़ नाइस मैन, ही इज़ वेरी नाइस मैन, वेरी गुड सॉन्ग्स, एंड आप लोग सोचिए और कोई आएगा उनके बगैर? नहीं ना, मेरे चाहने वाले भी यही बोल रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मीनू जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतने दूर से आए और मेरे मिलने वालों से मिला दिया मुझे, फिर से शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। याद रखना मुझे दुआओं में।